अब हमारे इसमें ज़्यादा ट्रेंड है ज़्यादा वर्दा शिवले को शादी करना और एक अगर उसके बाद अब एक जुल डिलीवरी को फर्स्ट डिलीवरी ससुराल वाले कराना ये बहुत कंडीशन चलते रहते हैं अक्सर हम देखी हूँ हमें हमारे इसमें बहुत चलता रहता है इसके तरफ से एक बात रखना तुम्हें क्या सही है क्या गलत है कितने तक फर्स्ट डिलीवरी ससुराल वाले कराना बच्ची के माँ बाप कहाँ तक झेलेंगे भाया अक्सर इसके बारे में बोला हमें وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم मैंने आपके सामने अभी एक हदीस सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी है तो वही है कि औरतों का तुम पर हक है जी 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 है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम उन्हें उर्फ़ आम के मुताबिक जी नानो नफका दो खर्च करो पोशाक मुहैया करो लिबास मुहैया करो जी ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जी। अब हमारे जो हिंदुस्तान में हम जहाँ रहते हैं इसके अंदर जो रस्म रिवाज जी है ना शादी ब्याह के तालुक से तो बहुत सारी बातें हैं तो बहरहाल जो आपने सवाल किया है कि डिलीवरी मायके में होना चाहिए ससुराल में कराना चाहिए जी 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 क्या ये सही या गलत है फीमेल के स्पेशली जैसे एक लड़का शादी करता एक लड़की शादी कर लिया एक साल या छः महीने के बाद डिलीवरी हो गया जी हमल ठहर गया जी अब वो डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी रहता वो लज्जा कह के वहाँ ससुराल में कराने का कि मायके में कराने का जी खर्च कौन उठाएगा जी ये है क्वेश्चन है खर्च कौन उठाएगा खर्च कौन शौहर उठाएगा या जो है उसके बच्ची के माँ बच्ची के माँ बाप भाई या भाई उठाएंगे या बाप बाप उठाएंगे या रिश्तेदार उठाएंगे कौन उठाएगा जी तो असल खर्चा जो है अर्रिजाल कौवमून अली निसा के तहत कि मर्द औरत पर हाकिम बनाया गया निगर बनाया गया जी अल्हम्दुलिल्लाह है ना तो इसके तहत इस आयत के तहत खर्च की जिम्मेदारी चाहे डिलीवरी फर्स्ट हो या सेकंड हो चाहे कितने भी हो कितने भी हो पूरी डिलीवरी का जो है जितना चार्ज लगता है जो भी खर्च आता है सब शौहर की जिम्मेदारी है शौहर के माँ बाप के ऊपर नहीं लड़की के माँ बाप के ऊपर नहीं जिम्मेदारी इसके शौहर के ऊपर जिम्मेदारी जो शादी करता उसकी हाँ जो शादी करता है इसलिए जब शादी करता इंसान तो उसमें वादा ले जाता ना कि तुम्हारे को खर्च भर के साथ लड़की तुम्हारे निकाह में दी जाती है कि तुम इसको कबूल करते हैं कि मैं उस पढ़ाते हैं हाँ निकाह में बोलते अपने भाषा में आम भाषा में बोलते हैं ना हिंदुस्तान जी जी हैं तो क्या बोलता है हाँ कबूल करते हैं भाई आपने कबूल कर लिया आपने कभी अब तक तीन टाइम बोलने की जरूरत नहीं है एक टाइम बोले तो अच्छा है जी एक ही टाइम में जी एक टाइम बोलना जरूर नहीं है वो एक टाइम बोलना आपने जब वहाँ वादा किया कि मैं निकाह का खर्च वर्च पूरा अब निकाह होने के बाद पूरा उठाऊंगा तो उसमें डिलीवरी का भी चार्ज आ गया आपके ऊपर अब डिलीवरी का जितना खर्च आता है वो लड़की के माँ बाप नहीं उठाएंगे वो शौहर की जिम्मेदारी है अगर शौहर ऐसा नहीं करता एक तरह जुल्म करता हो और जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है जुल्म करना हराम है ये लड़की वाले माँ बाप के ऊपर जो है खर्च नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है डिलीवरी यहाँ आप हमल हो गया अब डिलीवरी कराना है तो जो है जा कर के वहाँ माँ बाप के यहाँ वहाँ कराओ खर्चा कौन उठाएं जी तो इसलिए है ये गलत है जी ये गलत है और ये कानून के हिसाब से जुर्म है अल्लाह अकबर दीन के हिसाब से गलत है और कैसी भी किसी भी नाहे से सही नहीं है जी जी तो इसलिए ऐसा जो करता है वो गलत करता है जी, जी और जुल्म में आता है अल्लाह इसलिए इससे अपने आप को बचाना जी इंशाल्लाह डिलीवरी एक हो दो हो चार हो कितनी भी डिलीवरी हो जी शौहर को चाहिए कि अपने घर में कराए जी मायके में ना भेजे जी वहाँ अपने बीवी को और उनके माँ बाप पास ना भेजे कि डिलीवरी उन्हों करा के दें पूरा खर्चा उन्होंने उठाएँ तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल जो है अपना उठाना चाहिए शौहर की जिम्मेदारी बनती है जी बेशक और शौहर के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है हदीस सुनाता हूँ आपको जी कि आदमी अगर खर्च करता है अपनी बीवी के ऊपर तो उसके लिए सदका हो जाता है सुभान अल्लाह सदका हो जाता है सुभान अल्लाह यहाँ तक कि अपने बीवी के मुँह में लुकमा डालता है ना उसका भी सवाब मिलता है अल्लाह के नबी की हदीस है वो लोग इस मोहब्बत से हमें करते बोले तो दिल दुखा दे कि भी चुके झूठ बात बोलते जो ही नहीं लोग हमें करते अल्लाह दिया हमना अंदर एक बात बाहर एक बात रहती है इसके बारे में क्या है देखिए अंदर अगर बाहर ऐसा करता आदमी तो गलत करता है
जो कहता वही करना चाहिए। जी जी जी। जो नहीं करना वो नहीं कहना चाहिए, उसे अपने आप को बचाना चाहिए। जी जी। है ना। अब मैं मान लो इज्जत दे रहे बोल के उतनी भी मजबूर नहीं करना। हाँ नहीं, गलत है ना तरीका। अब ससुराल है तुम्हारी भी इज्जत दे रहे, हमारा दामाद है जी, अच्छा दामाद है, इज्जत दे रहे हैं, अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब उसके सिलसिले में तुम्हें क्या करे, उसी उसमें ले जा करके लड़की को उनके उस पर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, ये गलत है। जी जी। आपको जो भी डिलीवरी का चार्ज होता है वो शौहर की जिम्मेदारी होती है, शौहर ही उठाना, दूसरा कौन भी नहीं उठाना। जी जी। हाँ, इसलिए इसे अपने आप को बचाना चाहिए। लड़की की डिलीवरी हो तो शौहर की जिम्मेदारी है, इसलिए शौहर को ही संभालना चाहिए, दूसरे लोगों को संभालने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो दुनिया के रस्म रिवाज हैं, जो गैर मुस्लिमों के रिवाज हैं, जो गैर जैसे मुशरिक काफिरीन हैं, उनके रस्म रिवाज से बचाए। आमीन। आमीन।